जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए आपका कई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो। स्कंद पुराण कहती है, कुमार खंड में भी वर्णन शिव महा, किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर पांच परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध महाराज। दसवीं तिथि को, नवमी को तो ये करो कि दसवीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है महाराज। वृक्ष में जो गोंद लगी है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तुम्हारे बहू का अगर चापा हो, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ, और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। बाबा से निवेदन तो करो, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने। शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़ कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़ कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाएगा, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी आते हैं, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा नहीं। चढ़ाओ एक लोटा जल, कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्व नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। इसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए,
30 साल हो गए संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो, एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो दो पत्ती होती है इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है, शिव तत्व। बहुत है जब बेलपत्री दो पत्तियों का स्पर्श कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी कीली होती है जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूँ कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई टूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूँ अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा, ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, इस विशेष उपाय के से आपकी मनोकामना मात्र 3 घंटों में पूरी हो जाती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप इस विशेष उपाय को अवश्य करिएगा।